आज की खास खबरों की ओर। युवती को शादी का झांसा देकर आर्थिक और शारीरिक शोषण करने वाले युवक और पीड़िता के साथ ठगी करने वाले आरोपी युवक के पिता को भी महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। जांच अधिकारी रश्मि पाटीदार के अनुसार महिला थाने पर युवती ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की, फिर करीब 5 साल तक शादी का झांसा देते हुए शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। शिकायत में पीड़िता ने युवक के पिता द्वारा भी ठगी करने की बात पुलिस को बताई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पिता पुत्र को चंदन नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी युवक ने शारीरिक संबंध होने व युवती द्वारा मोबाइल व वाहन दिलाने की बात स्वीकार की है। पकड़ाए आरोपी युवक को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर मोबाइल और बाइक जब्त की है। इसमें जो है उनकी तलाश की गई थी कल दिन में लालबाग के सामने उनके मटन की दुकान है, न्यू राष्ट्रीय मटन करके, वहाँ पर उनकी तलाश की गई थी। फिर उनको जरिए टेलीफोन के और तरह तरह से संपर्क करके और उनको बुलाया गया थाने पे। पिता आए, फिर पुत्र आया और फिर दोनों से जो सामान लड़की ने बताया था, पुत्र ने जब अपना मोबाइल का जो बताया था वीवो कंपनी का मोबाइल वो बताया था, वो मोबाइल जब्त किया गया और पिता बाइक लेके आए थे, वही जो लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है उस बाइक को भी जब्त किया गया और फिर दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनसे पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मोबाइल और ये चीज़ें दिलाई थी, और लड़के ने भी स्वीकार किया कि मेरे शारीरिक संबंध जो है वो लड़की से थे, और इसे जैसे कि लड़की ने घटना बताई है उस घटना को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, लड़के का को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण हो चुका है और आज न्यायालय में पेश किया जाएगा उसको। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।